कम समय में अगर आप अपने बालों को भयंकर तरीके से लंबा, घना और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप आज का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से ना कि आप अपने बालों को लंबा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, वो भी बिना झंझट के। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर ऑयल शेयर करूँगी जिसके इस्तेमाल से बाल आपके लंबे भी होंगे, आपके बालों का झड़ना पूरी तरीके से रुक जाएगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। और अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा रूखा रहता है, बहुत झड़ू जैसे बाल रहते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या रहती है और साथ ही साथ गंजेपन की समस्या है, हेयर फॉल होने की वजह से गंजापन दिखने लगा है, आप वहाँ पर नए बाल उगाना चाहते हैं, तो आपकी ये समस्या भी बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। अगर आप मेरी बताई हुई रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम समय में अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा घना, मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस हेयर ऑयल को किस तरीके से बनाना है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और जो जो मैं चीज़ इसमें यूज़ कर रही हूँ वो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना कीजिए। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऑयल की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर आपको दो ऑयल बताने वाली हूँ, तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि ये जमता नहीं है, हम अक्सर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ये जम जाता है, तो दिक्कत पड़ती है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप उसकी जगह कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो कोकोनट ऑयल ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ही बनाना है। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं लंबे समय तक के लिए तो आप दूसरा ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच जो है कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि बाल लंबे हैं। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो 2 से 3 चम्मच आप ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी इसेंशियल ऑयल, जो कि है अल्प्स गुडनेस का रोजमेरी इसेंशियल ऑयल, ठीक है। इसके बेनिफिट मैं आपको आगे बताऊँगी, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। तो आपको 3 से 4 ड्रॉप जो है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल की लेनी है। मैं यहाँ पर 3 इसेंशियल ऑयल जो है ऐड करूँगी, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद ले रही हूँ अल्प्स गुडनेस का टी ट्री इसेंशियल ऑयल, ये भी हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये भी 3 से 4 बूंदें आपको इसकी लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है अल्प्स गुडनेस का ही लेवेंडर इसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पर जो भी इसेंशियल ऑयल ले रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। इसकी भी हमें 3 से 4 बूंदें ही इसमें ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा DIY नहीं कर पाते हैं तो अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको कुछ बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने लगेंगे, घने होने लगेंगे, लंबे होने लगेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। उससे पहले जो मैंने इसेंशियल ऑयल आप लोगों के साथ शेयर किया है तो उसके बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 इसेंशियल ऑयल जो है यूज़ किए हैं, जो कि हैं अल्प्स गुडनेस के, एक है टी ट्री इसेंशियल ऑयल, दूसरा है लेवेंडर इसेंशियल ऑयल, तीसरा है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अल्प्स गुडनेस की, रोजमेरी इसेंशियल ऑयल की। तो ये आपको इसकी जो शेल्फ लाइन है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये 2024 तक चलने वाला है। और इसकी अगर MRP की बात करें तो ये 145 का आपको मिलेगा, जो कि मिलता है आपको 10 ml, ठीक है। तो ये आपको 10 ml मिलेगा 145 रुपये में। इसकी जो गुडनेस है मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप रोजमेरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बाल आपके बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बालों में किसी भी तरीके का फंगस होता है तो वो भी आपका दूर होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्प गुडनेस टी ट्री इसेंशियल ऑयल की। तो इसकी MRP में भी आपको बता देती हूँ, ये आपको पड़ेगा अगर आप बाय करते हैं तो 145 रुपये का, और इसकी सेल्फ लाइन है 2023। तो ये भी बहुत लंबे समय तक आपका चलने वाला है। और इसकी गुडनेस की बात करें तो ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ अगर आपकी बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प होती है तो उसको ख़त्म करता है, आपकी स्कैल्प को क्लीन रखता है, आपके बालों को जो है साफ रखता है, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट लाता है, आपकी बालों की ग्रोथ जो है तेज़ी से होती है। तो
इसीलिए मैंने यहाँ पर एसेंशियल ऑयल का ही इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद हम तीसरे एसेंशियल ऑयल की बात कर लेते हैं जो कि है अल्प्स गुडनेस का लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो इसकी भी मैं बात कर लेती हूँ, इसकी शेल्फ लाइन है 2024, ये भी आपके बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और इसकी MRP है 135 रुपये, जो कि आपको मिलेगा 10 ml। तीनों एसेंशियल ऑयल जो हैं 10 ml के हैं, ठीक है। MRP 10-15 रुपये ऊपर नीचे है, बाकी सेम रेट है। अगर इसके गुडनेस की बात करें तो जो हमारे स्कैल्प में इरिटेशन होती है, इची होती है, खुजली होती है, तो उसको दूर करता है। साथ ही साथ हमारे ईयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर लीकें होती हैं, जूं होती हैं, उसको ख़त्म करता है। और अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो उसको दूर करता है और हेयर फॉल को भी रोकता है। अगर आप इन तीनों को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। और ये तीनों ही हमारे स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं और हेयर के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हम अब देख लेते हैं कि इसको बालों में कैसे लगाना है। आप अपने बालों में पहले अच्छे से कॉम कर लीजिए ताकि आपके बालों में किसी भी तरीके की उलझने ना रहें, और उसके बाद अच्छे से पूरे बालों में लगाइए, पूरे स्कैल्प में लगाइए। अगर आप ये ओवरनाइट में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको ओवरनाइट नहीं रख पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप इसको 2 से 3 घंटे आप अपने बालों में ज़रूर रखें। अगर आपके बालों को पूरी तरीके से पोषण मिलेगा तभी आपके बाल जो हैं खूबसूरत होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम बालों को हम ज़्यादा कुछ नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम तेल तो इतना रखिए ताकि हमारे बालों को पूरी तरीके से पोषण मिल जाए। जब पोषण ही नहीं मिलेगा हमारे बालों को तो बाल खुद ही ख़राब हो जाएंगे। तो आप जब इस तेल को लगा लें तो अच्छे से बन बना लीजिए और उसके बाद 2 घंटे रखिए, या फिर आप पूरी ओवरनाइट रखने के बाद जो है आप माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर दीजिए। आप अपने हेयर वॉश में भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंडीशनर लगा रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं तो भी आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके बाल आप 7 दिन या 15 दिन 20 दिन जितने दिन भी लगाएंगे तो आपके बाल जो है दिन पे दिन खूबसूरत होना ही शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।